घर की मुर्गी क्या होता है वो? भैंस बराबर। घर की मुर्गी भैंस बराबर। नहीं, भैंस बराबर नहीं होता। क्या होता है? घर की मुर्गी बांस बराबर। नहीं, मैं जरा सोचता हूं। आप वो सुगम संगीत सुन के आइए। घर की मुर्गी दाल दाल। हाँ देखो जी, याद आ गया है, सामने पड़ी थी ना घर की मुर्गी। नहीं, आई मीन दाल। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए बोल रहा था कि बचपन में हमको बोला जाता था कि हरी सब्जियां खाओ तो याददाश्त मजबूत होगी। और आज देखिए, अगर बचपन में हरी सब्जियां खा ली होती हैं तो जगह जगह मैं भूल नहीं रहा होता ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और क्या बोलने वाला था। इसलिए हरी सब्जियां खानी चाहिए और हरी सब्जियां खाने के लिए हरी सब्जियां बनानी चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार। आज हम बनाएंगे हरी बीन्स, ग्रीन बीन्स की सब्जी। देखो जी, ऐसा है, मेरा ना थोड़ा सा सर में दर्द है, तो जब मेरे सर में दर्द होता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ ताकि दर्द महसूस ना हो। तो अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा उसको। आप बोलेगा, यार इसके सर में दर्द है, कोई बात नहीं, इसने बता दिया था, ठीक है। क्योंकि मम्मी बोलती थी बचपन में कि बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, सर में दर्द नहीं होगा। नहीं सुना, कर लो आप। है तो बचपन में होता है ऐसे ही है, लेकिन हर चीज के साथ हरी सब्जी जोड़ दी जाती है। हैं, सर्दी हो गई, हरी सब्जियां नहीं खाते ना बेटा। जुकाम हो गया, हरी सब्जियां नहीं खाते ना बेटा। पर होता है ना ऐसा, हरी सब्जियां। मैं भी ऐसे ही करता हूँ ईशान को। ईशान कहता है, पापा आई एम वेरी टायर्ड। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बेटा सोए थे दिन में, मैं कहता हूँ हरी सब्जियां नहीं खाते ना बेटा। देखो जी, मैं मोटा मोटी आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ कि जिंजर है, ग्रीन चिली है, बीन्स है, ठीक है। और बीन्स को बड़ा काटें, ग्रीन चिली को छोटा काटें, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये मिर्च है, ग्रीन बीन्स नहीं है। सब कुछ एकदम लवली लवली। लवली लवली बोला मैंने, क्या बोल रहा था मैं, भूल, फिर से भूल गया। हरी सब्जी नहीं खाते ना बेटा। सब कुछ एकदम रफली रफली, याद आ गया, याद आ गया। सब कुछ एकदम रफली रफली, तो सब कुछ एकदम रफली रफली काटना है। ऑयल, सोक्ड चना दाल है जी, चॉप्ड जिंजर है, चॉप्ड गार्लिक है, चॉप्ड ग्रीन चिली है, स्लाइस्ड अनियन है। देखिए, इस रेसिपी का कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रेसिपी डिस्कवर हुई है और बड़ी टेस्टी है। इसका नाम हम रख देते हैं बचपन का गुस्सा। यू नो व्हाट आई मीन, जब आप छोटे थे सारे बोलते थे ना कि हरी सब्जी नहीं खाते, बस वो बचपन का गुस्सा निकालने के लिए बनाना है इसको। और पता है क्या करना है, अपने मम्मी पापा को खिलानी है, बोलना है हरी सब्जी खाओ। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, वैसे भी सर दर्द हो रहा है। दबा के हींग डालनी है जी, क्यों? उसका एक लॉजिक, जब आप चना दाल और बीन्स खाते हैं ना तो गैस करती है वो, तो इसके लिए दालें और बीन्स और लेग्यूम्स जो ज़्यादा गैस करते हैं उसमें हम हींग डालते हैं। हींग जो है वो पेट के लिए अच्छी है, ये है लॉजिक। ये गई चना दाल, ये लो सोक चना दाल, थोड़ा पानी डाला उसमें और नमक डाल के 3-4 मिनट के लिए भाप दे देते हैं उसको, हाँ, ताकि थोड़ी नरम हो जाए। मतलब हलवा नहीं बनाना, भरता नहीं बनाना, बनानी सब्जी है बट थोड़ा नरम तो करना पड़ेगा ना चने दाल को। ब्यूटीफुल। अब गई फ्रेंच बीन, अब दो ऑप्शन है जी। अब इसमें टैंगीनेस के लिए, हल्की सी खटास के लिए या तो नींबू डाल सकते हैं या टमाटर डाल सकते हैं, और हम डालेंगे टमाटर। क्यों? रंग भी आएगा ना फिर। नहीं, माना आज हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन शेफ गिरी तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। दे लो जी, थोड़ा रंग और रोगन भी खिल गया, थोड़ी खटास भी आ गई
और ताजगी के लिए तो हमारा प्रिय मित्र धनिया है ही। हमारा इसलिए क्योंकि कब तक मेरा अकेले का दोस्त रहेगा, आपको भी दोस्ती करनी पड़ेगी ना। ये धनिया को रफली रफली तोड़ के डाल देते हैं, ये बनते बनते बन गई ना सब्जी पटाखा। बस यही तो मैं बोल रहा था कि हरी सब्जी से दोस्ती कर लो, नहीं तो मेरी तरह याददाश्त खो जाएगी और ये भी याद नहीं रहेगा कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है जी, हरी सब्जी खाया करिए, और ऐसी अगर ग्रीन बीन्स की सब्जी बनती है तो फिर खानी चाहिए ना। बाकी मेरा सर दर्द अब ठीक हो गया है। और बीन्स कभी भी बनानी है तो बीन्स का भड़था नहीं बनाना, बीन्स में टेक्स्चर बड़ा ज़रूरी होता है, यानी कि बीन्स को ओवर कुक नहीं करना। देखिए रंग कितना अच्छा लग रहा है, कुछ भी ओवर कुक नहीं है, आप खाएंगे तो जूसी जूसी लगेगी, हलवा हलवा नहीं बना हुआ है, ठीक है जी। तो बीन्स बनानी है, हलवा नहीं बनाना है। और ये याद रखिएगा, याददाश्त के लिए भी याद रखिएगा कि हरी सब्जियां खाना याददाश्त के लिए अच्छा है। और याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।